योगी सरकार केंद्र सरकार को हाईवे के लिए देगी निशुल्क जमीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए काम कर रही है। इसी दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। इस फैसले के मुताबिक यूपी सरकार नए हाईवे के लिए केंद्र सरकार को निःशुल्क जमीन देगी, साथ ही ग्रीन फील्ड सड़कों के लिए भी जमीन मुफ्त देगी। बता दें कि पीपीपी मॉडल पर प्रदेश में 25 नए बस स्टेशन बनेंगे जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। आपको बता दें कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए ये फैसला लिया है। इसके अलावा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए एक्सप्रेस वे के बाद सड़कों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इसके तहत मंडलों को रिंग रोड और बाईपास से जोड़ा जाएगा, साथ ही सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को सीधे लखनऊ से 4 लेन सड़कों से कनेक्ट किया जाएगा। वहीं इन सड़कों के किनारे भी विकास की कई कार्य योजना तैयार हो रही है, जिससे लोकल लेवल पर उद्योग लगाए जा सके ताकि युवाओं को भी रोजगार के नए अवसर मिल सके। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, मिर्जापुर, झांसी मंडल, देवीपाटन मंडल, गोंडा, आजमगढ़ और प्रयागराज में कुछ दूर तक सड़कों का निर्माण कार्य हुआ है। निर्माण पूर्ण होने के बाद इन सड़कों को रिंग रोड अथवा बाईपास से जोड़ दिया जाएगा। इसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को सड़क किनारे विकास कार्यों का रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए भूमि अधिग्रहित करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी का मानना है कि इन सड़कों के किनारे किसानों के लिए मंडी, टाउनशिप, बस अड्डे, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होगी। इसके अलावा अन्य विकास कार्य कराए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री का विजन है कि अगर शहरों का सुनियोजित विकास होगा तो सड़कें निवेश का एक बेहतर जरिया बनेगी। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने राजधानी लखनऊ से 25 जिलों को कनेक्ट करने की तैयारी की है। इन जिलों को 4 लेन से जोड़ा जाएगा। इन जिलों में बिजनौर, हाथरस, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलिया, पीलीभीत, फरुखाबाद, औरैया, बहराइच, हमीरपुर, महोबा, बांदा, फतेहपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर और सोनभद्र शामिल हैं। बता दें कि इसके अलावा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए तमाम योजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिसे जल्द ही मूर्त रूप दिया जाएगा।